झालावाड़ में आज कोटा एसीबी ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में कार्यवाही करते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ब्रह्म प्रकाश आर्य को 10,000 रुपये रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के अनुसार आरोपी जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने यह रिश्वत की राशि कार्यालय में लगी हुई गाड़ी के पुराने बिल के भुगतान की एवज में मांगी थी। VO1 सारा मामले का खुलासा करते हुए कोटा एसीबी के DSP हर्षराज सिंह खरेरा ने बताया कि मामले के परिवादी वीर सिंह मीणा ने शिकायत दी थी कि उसने अपनी कार पिछले एक वर्ष से कांटेक्ट पर जिला अल्पसंख्यक अधिकारी कार्यालय में लगा रखी थी, जिसमें अल्पसंख्यक अधिकारी गाड़ी लगाने के लिए पिछले 3 माह से 10,000 रुपये हर महीने रिश्वत की मांग कर रहा था तथा मांग पूरी नहीं करने पर बार बार गाड़ी हटाने की धमकी दे रहा था। परिवादी के द्वारा रिश्वत की राशि देने पर असमर्थता जताने पर उसकी गाड़ी कार्यालय से हटा दी गई। सारे मामले में परिवादी ने बताया कि उसकी गाड़ी का पहले का करीब 35 से 40 हज़ार का बिल बकाया चल रहा था, जिसे पास करने के लिए जब जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ब्रह्म प्रकाश आर्य से बात की तो उन्होंने बिल पास करने के लिए 20,000 के रिश्वत की राशि की मांग की। इस पर परिवादी ने कोटा एसीबी को मामले की शिकायत दी। रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के दौरान आरोपी अधिकारी ने 19,000 रुपये रिश्वत की मांग की, जिस पर आज कोटा एसीबी की टीम ने जाल बिछाते हुए आरोपी अधिकारी को रिश्वत की राशि की पहली किस्त मोबाइल से अपने परिचित के खाते पर व्हाट्सएप से भेजकर खाते में जमा करवाए जाने पर कोटा एसीबी ने धर दबोचा। फिलहाल सारे मामले में कोटा एसीबी टीम गिरफ्तार आरोपी अधिकारी से पूछताछ में जुटी हुई है। BPA न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट, झालावाड़ राजस्थान की खबर।